नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। किसी शुभ कामना के साथ आज की यह जानकारी देरी ना करते हुए शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, देव गुरु बृहस्पति एक साल तक एक राशि में रहते हैं, उसके बाद अपने राशि को चेंज करके अगली राशि में चले जाते हैं। इसी प्रकार से अप्रैल के बाद 2023 के बाद अब देव गुरु बृहस्पति 1 मई को अपनी वर्तमान राशि यानी मेष राशि को छोड़ करके वृष राशि की ओर जा रहे हैं और वृष राशि में पूरा एक वर्ष तक रहेंगे। एक साल तक वह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, क्या परिणाम देने वाले हैं, क्या आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको विद्या का क्षेत्र में कैसा रहेगा, शादी विवाह के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी सर्विस प्रमोशन के लिए कैसा रहेगा, तो इसी की चर्चा करने के लिए मैं आप सभी के सामने आया हूँ। और यह है जो गोचर रिजल्ट बता रहा हूँ, मैं फलादेश कर रहा हूँ, यह आपकी लगन कुंडली के आधार पर बताया जाएगा। यानी जो आपकी लगन कुंडली कहते हैं, जो जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली में सबसे पहले भाव में यदि आपका 4 नंबर लिखा हो तो आपकी ये मान के चलें कर्क लगन की कुंडली है, या फिर आपकी जन्म राशि कर्क है तो भी आप इसे देख सकते हैं, या फिर आपका नाम राशि जो है कर्क राशि है, कैंसर है, तो भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस एक साल की भविष्यवाणी को। और एक प्रार्थना करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जितने भी दर्शक आ रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को यदि अच्छे तरीके से समझना है तो मेरी प्रार्थना है कि इसको स्किप ना करें, आगे आराम से देखें। मैं ज़्यादा शॉर्ट में ही बताऊंगा आपको, ज़्यादा मेन मेन बातें करूंगा, जो बातें होंगी फालतू कोई बात नहीं होगी, ऑन टॉपिक के अनुसार ही आपको बताया जाएगा। इस समय मान के चलें कि आपके कर्म क्षेत्र, कर्म दसवां भाव कर्म क्षेत्र का, वहाँ पर देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। जैसे 1 मई आएगी यह आप अगली राशि की ओर चल देंगे, यानी 11वें भाव में वृष राशि में। 11वां भाव होता है आय का, 11वां भाव होता है लाभ का, 11वां भाव होता है अचानक से कोई पैसों की प्राप्ति हो जाए किसी प्रकार से भी, 11वां भाव होता है अपने मित्रों का, 11वां भाव होता है बड़े भाई बहनों का। तो आपको जब देव गुरु बृहस्पति शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य किस राशि में गोचर करेंगे, तो आपको ये मान के चलें पूरा वर्ष भर, क्योंकि ये अलग अलग नक्षत्रों से होकर के गुजरते हैं, तो आपको उन नक्षत्रों के हिसाब से पूर्ण फल देंगे। माफ़ कीजिएगा, 11वां भाव में जब भी कोई ग्रह जाता है या पहुंचता है या वहां पर ड्यूटी करता है, तो ये मान के चलें कि 11वें भाव के सारे रिजल्ट व्यक्ति को प्रदान कर देता है, चाहे राहु हो, केतु हो, या कोई भी 9 ग्रहों में से कोई भी हो। तो ये मान के चलें, यह सबसे बड़ी खुशखबरी है कि कर्क राशि में इस समय पूरा एक साल तक देव गुरु बृहस्पति, वह भी शुक्र की राशि में गोचर करेंगे, और उसका इतना अधिक फल आपको मिलने वाला है, अच्छा फल, जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको लाभ की बात करते हैं, लाभ बहुत मिलने वाला है अपने कर्म क्षेत्र में। अचानक से आपको कोई कहीं पे फंसा हुआ पैसा भी आपके पास आ सकता है, कहीं पे आपने किसी को पैसा दिया था वह फंस चुका था, उसके आने के आसार खूब बढ़ जाते हैं यहाँ पर जब देव गुरु बृहस्पति पहुँच जाते हैं। अब दूसरी चीज़, अपने बड़े भाई बहनों के साथ यदि कोई मतभेद था तो वह सुधरने के पूरी संभावना बन जाती है। अचानक से धन आना, अचानक से कोई लाभ हो जाना, चाहे पैसों के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, किसी प्रकार का भी आपको लाभ हो जाए, तो यह देवगुरु बृहस्पति ही अच्छा ही करेंगे। अब इनकी दृष्टि की बात करते हैं, इनकी सबसे पहली दृष्टि पड़ती है तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में, पंचम दृष्टि। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, तो पराक्रम में आप कमी नहीं करेंगे, आपका पराक्रम और बढ़ा देंगे देवगुरु बृहस्पति, और अपने छोटे भाई बहनों के साथ आप प्रेम से रहेंगे, और जो पहले की कोई ऐसी समस्या चल रही थी, छोटे भाई बहनों से मन मुटाव था, वह दूर होगा। यदि आप मार्केटिंग का काम करते हैं तो उसमें अब ये मान के चले देवगुरु बृहस्पति आपको मार्केटिंग क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं, सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसके बाद इनकी सप्तम दृष्टि पड़ती है पंचम भाव में,
पंचम भाव जो होता है यह संतान का होता है, शिक्षा का होता है, और हमारे पूर्व कर्म का हिसाब किताब का होता है कि हमारे पूर्व कर्म कैसे रहे हैं। और अब जब देवगुरु बृहस्पति इस भाव को देखते हैं, आपकी संतान यदि कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि आपकी कोई बात नहीं सुनती थी या कोई कहना नहीं मानती थी, तो यहाँ पर आपकी संतान के लिए बहुत अच्छे जो हम कहते हैं संभावना है कि वह आपकी बात सुनेगी और आपकी बात मानेगी। यदि जो भी विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं ज्ञान के कारक हैं, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान करने वाले हैं पूरा 1 वर्ष तक। इसके बाद भी आगे बात करेंगे, आगे जैसे जैसे गोचर चेंज होगा। तो यहाँ पर ये मान के चलें कि आपके पूर्व जन्म के जितने भी अच्छे कर्म हैं वह उसके अनुसार देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करने वाले हैं। संतान कंसीव करने में यदि समस्या आ रही थी तो देवगुरु बृहस्पति इस इच्छा को आपकी पूर्ण कर देंगे 1 वर्ष के अंदर अंदर। यानी जैसे ही मई से शुरू होंगे तो यह बाल्यावस्था में होंगे, फिर युवावस्था, कुमारावस्था और फिर वृद्धावस्था, फिर यह अपनी राशि चेंज कर लेते हैं, उसी के अनुसार फल देते हैं, तो उसी के हिसाब से इनकी डिग्री चलती है। तो ये मान के चलें जो भी कंसीव होने में, संतान कंसीव होने में जिन व्यक्तियों को दिक्कत आ रही थी कर्क राशि वालों को, तो यह उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, अच्छा मौका है। तो इसमें आप देवगुरु बृहस्पति की कृपा अवश्य प्राप्त करेंगे। अब जो इनकी अंतिम दृष्टि यानी नवम दृष्टि है वह सप्तम भाव में पड़ रही है कर्क राशि में। तो सप्तम भाव होता है साझेदारी का, व्यापार का, स्पाउस का, दाम्पत्य जीवन का। यदि आप अनमैरिड हैं तो ये मान के चले नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपकी शादी करवा देगी, मैरिज करवा देगी पूरे 1 साल के अंदर अंदर। इनके जाने से पहले, अगर अगली राशि में परिवर्तन करने से पहले पहले आपकी मैरिज, आपकी शादी हो जाएगी, ऐसी संभावना पूरी बन रही है। इसमें ज़्यादा फल तब मिलता है जो मैं बातें कर रहा हूँ, यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंत दशा देवगुरु बृहस्पति की हो या शुक्र की हो जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जितना मैं कह रहा हूँ हो सकता है उससे भी ज़्यादा अधिक आपको प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर यदि आप अनमेरिड हैं, शादी नहीं हुई है और वेट कर रहे हैं कि कब शादी हो, बात नहीं बन रही, तो देवगुरु बृहस्पति बात बना देंगे। नंबर 2, यहाँ पर आपको व्यापार से खूब लाभ होने वाला है यदि आप व्यापारी हैं, क्योंकि यह व्यापार स्थान भी माना जाता है सप्तम भाव, और देवगुरु बृहस्पति स्वयं लाभ भाव में बैठे हैं, तो व्यापार से आपको खूब लाभ होने वाला है। ये पूरा साल मान के चलें कि देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं, आप संभाल नहीं पाएंगे इतना काम आपके पास आएगा। यदि आपका ऑर्डर वाला काम है तो इतने ऑर्डर आएंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। यदि आपकी बृहस्पति की ड्यूटी भी चल रही है तो और अच्छा इसमें आपको लाभ होने वाला है। अब यही देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में बैठे हैं, तो कर्क लग्न वालों के लिए यह नवम भाव के और षष्ठ भाव के स्वामी हैं। छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु, तो रोग से आप दूर होंगे। यदि कोई आपको कष्ट है, कोई रोग है, किसी चीज़ की परेशानी है, तो वह कष्ट ये दूर कर देंगे, क्योंकि 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शत्रु यदि आपके कोई हैं तो वह भी आपके साथ मीठा प्रताप करना शुरू कर देंगे या पीछे हट जाएंगे। रोग ऋण शत्रु, ऋण क्या होता है, कर्जा, तो कर्जे से भी आपको निजात मिलेगी। यदि आपने कोई लोन लिया है, कर्जा लिया है, तो यह देवगुरु बृहस्पति उसको उतारने में सक्षम है पूर्ण तरीके से। भाग्य आपका बदलेंगे, क्योंकि भाग्य के मालिक हैं आपके लग्न कुंडली के नवम भाव के, तो लग्न भाव में नवम भाव के यह स्वामी हैं। और नवम भाव जो होता है भाग्य का होता है और पिता का होता है, पिता की आपको खूब सपोर्ट मिलेगी और आपके भाग्य को परिवर्तन कर देंगे। परिवर्तन व्यक्ति खुद अपनी तरफ से नहीं करता, व्यक्ति का जो भी भाग्य परिवर्तन होता है ग्रह के द्वारा किया जाता है। ग्रह के पीछे भगवान विष्णु जुड़े हुए हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति के ऊपर भगवान विष्णु जी हैं, कृष्ण जी हैं, लक्ष्मी नारायण हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति नवम भाव के मालिक हैं तो ये मान के चलें आपके भाग्य को स्वयं लक्ष्मी नारायण जी बदलेंगे। तो इसी के साथ आज की यह जानकारी मैं यहीं पे विराम देता हूँ। अगली जो चर्चा होगी वह सिंह राशि के विषय में होगी कि सिंह राशि के जीवन में यही देवगुरु बृहस्पति क्या क्या परिणाम उनको देने वाले हैं। यदि आप मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं अपने कुंडली के बारे में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल के जरिए नहीं, व्हाट्सएप मैसेज आप करिए।
उसमें शुल्क की जानकारी आपको दे दी जाएगी। लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय सीताराम, राधे राधे।